What's up guys? स्वागत है आपके अपने चैनल एंडी क्रिएटर में। मैं हूं आपका अपना अनिल और आज हम सीखने वाले हैं रेट्रो फ्लावर इल्यूजन बैकग्राउंड कैसे क्रिएट करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर में। तो दोस्तों, इसी तरह से मैं वीकली क्रिएटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आर्ट बोर्ड लिया हुआ है 1920 में और 1080 हाइट में। तो फर्स्ट हम लेते हैं पॉलीगोनल टूल, यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करते हैं। ये है पॉलीगोनल टूल, यहाँ पे इसे सेंटर में क्लिक करके पॉलीगोनल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे इसका रेडियस रखते हैं 70 पिक्सल्स और साइज रखते हैं 6। इसे ओके करते हैं और अब हम इसे रोटेट करते हैं 90 डिग्री। शिफ्ट प्रेस करके 90 डिग्री रोटेट करते हैं और अब जाते हैं इफेक्ट में, डिसॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, पुकर एंड ब्लॉट सिलेक्ट करते हैं और अब हम इसे ब्लॉट की तरफ ले लेते हैं 60%। तो इसे हम ओके कर लेते हैं। तो ये ऐसा कुछ फ्लावर क्रिएट हो चुका है। अब हम इसे कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करके पेस्टिंग प्लेस कर लेते हैं, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब ये ऊपर की साइड में, हमें पीछे की साइड में करना है इसे, तो राइट क्लिक करते हैं, अरेंज सेंड टू बैक करते हैं। तो ये इस ऑब्जेक्ट के पीछे जा चुका है। तो अब हम इसे बड़ा कर लेते हैं और इसका जो ब्लॉट दिया हुआ है उसे थोड़ा कम करते हैं। तो यहाँ पे अपीयरेंस में जाते हैं, फोकर एंड ब्लॉट है उसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जो परसेंट है वो 60 है तो हम रखते हैं यहाँ पे 30 और इसे हम ओके कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से आ चुका है। इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और अब हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को ब्लेंड करेंगे। तो मैं अभी ब्लेंड टूल सिलेक्ट कर लेता हूँ, शॉर्टकट है W और यहाँ पे है ब्लेंड टूल, W प्रेस कर लेते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं और फिर इसे सिलेक्ट करते हैं। दोनों ब्लेंड हो चुके हैं। अब ब्लेंड की सेटिंग करेंगे थोड़ा, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे स्पेसिफाइड स्टेप ले लेते हैं और अब यहाँ पे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम अराउंड 22 रखते हैं और इसे हम ओके करते हैं। अब हम इसे सिलेक्टेड ही रखते हैं, ऑब्जेक्ट में जाते हैं और एक्सपांड अपीयरेंस करते हैं, फिर से ऑब्जेक्ट में जाते हैं और एक्सपांड करते हैं इसे और ये सारे टिक्स से रखिए, इसे ओके करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट एक्सपांड हो चुका है। अब तो यहाँ पे ग्रुप होगा एक, इसे हम राइट क्लिक करके अनग्रुप करते हैं और तो फिर यहाँ पर आउटसाइड में क्लिक कर लेता हूँ। तो अब देखिए सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हो चुके हैं। अभी तो मैं एक एक ऑब्जेक्ट छोड़ के मैं सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं सेकंड पर क्लिक करता हूँ, जैसे देखिए मैं एक एक ऑब्जेक्ट छोड़ रहा हूँ और ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं देता हूँ फिल कलर ब्लैक, फिलहाल के लिए हम ब्लैक कलर दे रहे हैं। हम फाइनली हमारा रेट्रो कलर देंगे। अभी थोड़ा और मॉडिफिकेशन करना है इस आर्टवर्क में। तो अभी कंट्रोल ऑल करते हैं और इसके स्ट्रोक को हम नन करते हैं ताकि सारे स्ट्रोक निकल जाए। अब हम इसे थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। तो फर्स्ट इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अब मैं चलता हूँ ट्वेल टूल की तरफ। यह है ट्वेल टूल, विड्थ टूल के अंदर ही आपका यह है ट्वेल टूल। तो इसको हम सेटिंग करेंगे, यहाँ पे इंटेंसिटी 10 रखते हैं, ये 40 है। ये जो ब्रश एज इट इज साइज का है इसे ओके करते हैं। तो ब्रश को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, देखिए थोड़ा टूल बड़ा करते हैं और ये एग्जैक्टली मैंने अपने जो टावर से उसके साइज का ले लिया। तो मैं यहाँ पे सेंटर में क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही ऐसा कुछ इफेक्ट नजर आएगा। अब मैं इसे डीसेलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ। अभी इंडिविजुअली एक एक कलर को कलर फिल करेंगे। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसे मैं रेड कलर देता हूँ
कॉमन रेड कलर नहीं दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, थोड़ा रेट्रो की तरफ दूंगा मैं। तो यहाँ पे ग्रीन में थोड़ा सा मैं शिफ्ट अप एरो प्रेस करके मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे 25 के करीब रख रहा हूँ और यहाँ पे 7 दे देते हैं। तो ये कुछ रेड अलग लग रहा है और यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और भी थोड़ा ऑरेंज दे देते हैं, सेम इसे रेड को फुल करते हैं। ऑरेंज में हम देते हैं कुछ 153 की तरफ और ब्लू में रखते हैं हम 36। देखिए ये रेट्रो एकदम सॉफ्ट लगने लगा है, कलर जो ऑरेंज कलर है एकदम सॉफ्ट लगने लगा है। ऐसे सॉफ्ट कलर ही चूज़ कीजिए। तो अभी मैं थर्ड कलर जो ले रहा हूँ वो है येलो। येलो में कॉमन सा है, येलो की तरफ रखेंगे हम इसे, थोड़ा कम करता हूँ येलो। और अभी ब्लू रखते हैं, थोड़ा सा टिंट देंगे ब्लू में। देखिए थोड़ा सॉफ्ट हो गया ना, इस तरह से सॉफ्ट कलर लीजिए। अब लेते हैं हम ग्रीन कलर। ग्रीन कलर रखेंगे हम अराउंड 202, ये कलर अच्छा है। बाकी के कलर में भी थोड़ा सेटिंग करेंगे। रेड रखते हैं हम थोड़ा सा येलो टिंट की तरफ ही जाएंगे, 153 रखा है मैंने। और ब्लू रखता हूँ मैं थोड़ा 50 के करीब करीब। देखिए ये भी कलर एकदम सॉफ्ट कलर है। तो यहाँ पे भी फोर्थ कलर लेते हैं हम ब्लू कलर। ग्रीन रखते हैं हम थोड़ा 150 के करीब। रेड को कम करते हैं और ब्लू में थोड़ा सा। तो ये इस तरह का ब्लू कलर ले चुके हैं, तो इसे सिलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा डार्क ब्लू ले लेते हैं, इसे थोड़ा 50 के करीब, 60 के करीब रखते हैं, 70 के करीब रखते हैं। ये इस तरह से आ गए ब्लू में सेम एज इट इज। ये भी रखते हैं 100 के करीब करीब। तो देखिए इस तरीके का ब्लू हमने ले लिया है। यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे थोड़ा पर्पलिश कलर ले लेते हैं। तो ब्लू में हम रखते हैं एज इट इज, आई ड्रॉपर से ये वाला कलर पिक कर लेते हैं। ये मैंने कलर पिक कर लिया और मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग चेंज करूँगा। 210 लिया है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ थोड़ा सा कम 10, ताकि अभी पर्पलिश के तरफ थोड़ा सा मूव करेंगे। देखिए ये थोड़ा पर्पल हो चुका है। तो ये भी एक कलर हमने शेड कर सिलेक्ट कर लिया। तो अब हम वी प्रेस करते हैं, सिलेक्शन टूल ले लेते हैं और ये सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर से आई ड्रॉपर से ये वाला कलर पिक कर लेते हैं, फिर सिलेक्शन टूल ले लेते हैं और अब इसमें कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे। पर्पल थोड़ा डार्क कर लेते हैं, थोड़ा सा और डार्क करेंगे, में रखते हैं थोड़ा सा और डार्क। ये एक टिंट आ चुका है। अभी थोड़ा डार्कर रेड ले लेते हैं, ये थोड़ा डार्कर रेड है। ग्रीन में 11 दे देते हैं, यहाँ पे 50 अराउंड कुछ दे देते हैं। देखिए 48 दे दिया मैंने इसे और अभी इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, रिपीट सेम कलर दे देते हैं। आई प्रेस करके ये वाला कलर पिक कर लेते हैं, वी प्रेस कर लेता हूँ इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, आई प्रेस करके ये वाला कलर पिक कर लेता हूँ, वी प्रेस करता हूँ इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, आई प्रेस करके ये वाला कलर पिक कर लेता हूँ। तो ये रेट्रो बैकग्राउंड क्रिएट हो चुका है। कंट्रोल ऑल करते हैं और इसे ग्रुप कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे रोटेट करेंगे हम, जूम आउट कर लेता हूँ इसे, थोड़ा मैंने रोटेट कर लिया कुछ इस तरह से। और अब हमें आर्टबोर्ड के साइज का एक बैकग्राउंड क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं रेक्टेंगल टूल, शॉर्टकट है एम, और यहाँ पे एक आर्टबोर्ड के साइज का एक बैकग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे 1920 रखते हैं और 1080 कर लेते हैं। इसे सेंटर अलाइन कर लेते हैं।
कंट्रोल ऑल प्रेस करके राइट क्लिक मेक क्लिप मास्क कर लेते हैं। तो ये बैकग्राउंड हमारा रेडी हो चुका है। आप सोच रहे हो कि बहुत ही सिंपल था ये, कितना इजी था, पर इसे क्रिएट करने में बहुत वक्त लगा। हालांकि फर्स्ट टाइम अगर कोई ये ट्राई करेगा तो उसे भी बहुत वक्त लगेगा, लेकिन अगर आप अभी ये ट्यूटोरियल सीख के करोगे तो बहुत इजी हो गया आपके लिए। तो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपके फ्रेंड्स को, ताकि वो भी इस तरीके के नए नए टेक्निक सीख सकें। तब तक के लिए प्रैक्टिस हार्ड और इमेजिन करके कुछ रियल मैं क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद।